आप सभी साथियों, सबसे पहले जय भीम जय भारत। साथियों, ये वीडियो मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि बहुजन समाज से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की, और मेरी आंखों में नींद भी आ रही है, फिर भी मैं आपके लिए ये न्यूज़ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आपका एक जो कि आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहेगी। साथियों, राजस्थान के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है, हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। साथियों, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल डेनवाल, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो कि 3 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, वो धरना प्रदर्शन का ऐलान इसीलिए किया था क्योंकि राजस्थान में बहुजन समाज के व्यक्तियों पर उत्पीड़न की संख्या का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए उन्होंने ये धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, एक आंदोलन का ऐलान किया था। साथियों, 3 जुलाई को उन्होंने अपनी भीम आर्मी टीम के साथ वहाँ पर राजस्थान में आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया और बड़ी प्रदर्शन भी किया, और ये भी बोला कि बहुजनों पर जो कि उत्पीड़न की संख्या स्तर बढ़ चुका है, उसे जल्द से जल्द रोका जाए, अन्यथा हम राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। साथियों, जब ये बात प्रशासन को पता चलती है तो भीम आर्मी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल डेनवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, जब अनिल डेनवाल को प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भीम आर्मी के अन्य कार्यकर्ताओं को जब ये खबर का मालूम पड़ता है तो भीम आर्मी के अन्य कार्यकर्ता, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी जंग का ऐलान कर देते हैं। साथियों, भीम आर्मी के मध्य प्रदेश से पूर्व प्रदेश प्रभारी हैं सुनील अस्ते जी, उन्होंने ये जानकारी दी है। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, उसमें साफ साफ लिखा है जल्द से जल्द अगर अनिल डेनवाल को, जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो पूरा देश की भीम आर्मी राजस्थान में होगी, ऐसा भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश प्रभारी जी ने ऐलान भी कर दिया है। साथियों, एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है, रिलीज अनिल डेनवाल। साथियों, ये मैंने वीडियो बनाई थी करीब रात के 12 बजे। मैं वीडियो हालांकि बनाता नहीं हूँ, पर साथियों ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। एक बहुजन समाज के लिए लड़ रहे युवा का मामला था और उनको गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ बनाई। आपका पूरा अधिकार है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, ये भी न्यूज़ बनाकर मैंने सही किया रात के 12 बजे या गलत किया ये भी अवश्य बताएं। जय भीम जय भारत, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी घंटी को अवश्य दबाएं, इस चैनल को ज्वाइन करें, मजबूत बनाएं। जय भीम जय भारत, फिर मिलते हैं नई खबर एक नई जानकारी के। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं, ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें।